मैं हूं जुल्फी सुल्ताना और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। जहां उड़पी डिस्ट्रिक्ट में हमने देखा था कि हिजाब को लेके इश्यू हुआ, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नमाज पढ़ने से भी अब इश्यू हो रही है। तो चलिए जानते हैं इसी के लेटेस्ट अपडेट्स। हिजाब रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स ये रही। जहां हमने उड़पी में गवर्नमेंट कॉलेजेस में हिजाब इशू देखे, वहीं शिवमोग्गा में भी एक ऐसी ही इंसिडेंट देखने को मिली है। चलिए फिर से इन तीनों इंसिडेंट्स को जान लेते हैं। थर्ड इंसिडेंट यानी तीसरी इंसिडेंट जो है वो भद्रावती, जो कर्नाटका की शिवमोग्गा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, वहीं की श्री MV गवर्नमेंट कॉलेज की स्टूडेंट्स ही चंद स्टूडेंट जो हिजाब पहनते हैं उसी मुद्दे को लेके प्रोटेस्ट किए, यानी स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट किए। सेकेंड इंसिडेंट जो है वो कुंदापुरा गवर्नमेंट कॉलेज में देखी गई, जो कि उड़पी की ही है, जहां एक स्टूडेंट ने यानी एक गर्ल स्टूडेंट ने हिजाब पहने पर अड़े रही, तो वहीं सारे हिंदू लड़के स्टूडेंट जो है वो कॉलेज को सैफ्रन शॉर्ट्स पहने लगे, यानी वो स्टूडेंट्स सैफ्रन शॉल जो है वो पहन के आने लगे। फर्स्ट इंसिडेंट जो है वो January 1, 2022 को उड़पी में देखा गया। उड़पी कॉलेज यानी गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की मैनेजमेंट 6 मुस्लिम गर्ल्स को क्लासेस अटेंड करने से बार किया, जो कि हिजाब पहनने पाए गए। कहा कि कॉलेज के नॉर्म्स के अगेंस्ट था, इसलिए उनको बार किया गया। इसी के चलते एक स्टूडेंट ने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन भी फाइल की है। ये रिट पिटीशन स्टूडेंट रेशमा फारूक की ओर से फाइल की गई है, क्योंकि रेशमा का कहना है कि हिजाब पहना आर्टिकल 14 और 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड की गई है, और हिजाब पहना इस्लाम की एक बेहतरीन प्रैक्टिस है। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच मीटिंग की गई ताकि इस इश्यू का हल किया जा सके। ये मीटिंग January 19, 2022 को हुई, और इस मीटिंग में किसी भी मुद्दे पर नहीं पहुंच सके। कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक्सपर्ट कमेटी को इस मसले को इश्यू करने के लिए यानी इस मसले को सॉल्व करने के लिए अपॉइंट किया है, ताकि जल्द से जल्द ये इश्यू को सॉल्व कर सके। जब तक कमेटी रिकमेंडेशंस आएगी नहीं, तब तक के लिए सभी लड़कियों को यूनिफॉर्म रूल्स को अधियर करने के लिए कहा गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी आवाज़। मैं हूँ जुल्फी सुल्ताना।